है टेपर टर्निंग, ठीक है, तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये आपको लेथ मशीन दिखाई दे रही है, और सबसे पहले हमने जॉब को जो है वो ट्रू जॉ के अंदर फिक्स किया है। ये देखो, ये जॉब है, MS राउंड है ये, और इसका डायल 32 है और लंबाई 120 mm। तो इसको हमने चक के अंदर फिक्स किया और इसको अच्छे से टाइट करना है ताकि जॉब बाहर ना निकल और कोई एक्सीडेंट ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा टूल। टूल जो है हमारा, उसके लिए ये स्पैनर है और ये अच्छे से टाइट करना है। ये 3 स्क्रू के माध्यम से इसको किया। अब जब हम टेपर का ऑपरेशन करते हैं तो हमें अलग से इस कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग करना होता है, तो इसके लिए जो है कॉपी में आप नोट कर लें, एक ड्राइंग बनाएंगे जिसके अंदर अभी जो मैंने डाया बोला है ड्रा करें, 32 उसकी आउटर डाया और लंबाई उसकी आप लेंगे 120। सभी ने ड्रा किया पेंसिल से, पेन से। अभी एक मैं जॉब दिखा रहा हूँ जिसके अंदर ये देखो, ये जो है ये नर्लिंग है, इसमें ऑपरेशन किया हुआ, और ये जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है ये है टेपर टर्निंग, इसको बोलते हैं टेपर टर्निंग, जिसमें क्या होता है एक ही रेशो में जो हमारा साइज है इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, उसको बोलते हैं टेपर टर्निंग। तो इसमें क्या है कि ये जैसे ऊपर का साइज आपका कितना हो गया, ये 30 है एज एग्जांपल, और ये है 25, राइट। तो ऐसे ही आपको जो है अभी जो जॉब तैयार करनी है उसका 32 आउटर डाया हो और उसकी लंबाई आपने जो लिखनी है 120 वो आप ड्रा करें, और फिर हमें जो अभी हम टेपर आपको कराएंगे वो जो स्टार्टिंग के अंदर 50 mm इसका जो किनारा होगा उसके ऊपर हम टेपर टर्निंग ऑपरेशन आपको दिखाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं जॉब, और ये आपका 50 mm इसका लंबाई है, ये हमने निशान लगा दिया, और हम जो टेपर करेंगे उसका हमने फार्मूला आपको नोट करा रहा हूँ। टेपर टर्निंग का फार्मूला है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा लेंथ इंटू 57/2, ये इसका फार्मूला है टेपर टर्निंग की डिग्री निकालने के लिए। तो अभी इसका जो आउटर डाया है वो है 32, कितना है आवाज दो, 32 आवाज आ रही मेरी, हाँ। ऊपर का डाया कितना है 32, और हम जो आगे का डाया करने जा रहे हैं वो 25, कितना है बोलो 25, और बटा कितना आ गया लंबाई, मैंने अभी बताया 50 mm हम इसको करेंगे, 50 mm तक टेपर ऑपरेशन करेंगे, तो कितना हो गया 32 माइनस 25 कितना आया, ये आया 7, 25 में से 32 गए, 32 में से 25 गए 7/50 इंटू 57/2, राइट, और ये हो गया आपका 100 3 49 49। तो ये आपका आ गया कितना आ गया 3.99 डिग्री आ जाएगा। हाँ, क्लियर फार्मूला का आपको समझ आ गया, रिपीट। तो इसको फार्मूले को लगाएंगे कैसे, 32 माइनस 25 बटा हो गया 50 mm लेंथ इंटू 57/2, तो ये हो गया 7/50 इंटू 57/2 399/100, तो इसका आ गया 3.99 डिग्री। तो लगभग 4 डिग्री अगर हम इसको सेट करेंगे तो हमारा ये साइज जो हम बनाने जा रहे हैं वो तैयार हो जाएगा। सबको क्लियर? तो अब हम इसको डिग्री को सेट करते हैं, वो देखेंगे आप कैसे करते हैं। तो ये है कंपाउंड स्लाइड, और इसको सेट करने के लिए ये एल की है, यहाँ 4 L की बोल्ट लगे हुए हैं, 1, 2, 3 and 4। तो हम इनको पहले लूज करेंगे, और इसको हम टाइट कर रहे हैं। तो अभी हम मशीन को ऑन करने जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल मिनिमम स्पीड है जो कि हमने पिछली बार
सिलेक्शन किया था उसके लिए किया हुआ था। नाउ ये इसका मीडियम है, तो इसको एक बार जॉब को चेक कर लेते हैं, इसके अंदर कोई आउट तो नहीं है, जो हल्का सा इसमें आउट। अगेन एक बार हमने थ्रू किया, जितनी लंबाई में हमने इसको टर्निंग करनी है कंपाउंड स्लाइड को उतना पीछे ले जाएंगे। सिंपल टर्निंग में क्या होता है कि बेड की जो अपना स्टेट है उसके ऊपर हमारा चलता है हैंड स्लाइड से, और जब टेपर टर्निंग करना है तो कंपाउंड स्लाइड से एंगल के अंदर जो हमारी इसकी फिटिंग है उसके अनुसार हमें इसको चलाना होता है। इस समय ये एंगल के अंदर हमारा कंपाउंड स्लाइड सेट हो चुका है, तो ये धीरे धीरे जैसे आप, और इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब हमने 50 mm का ऑपरेशन करना है तो ये इस समय लगभग 80 mm है, तो हम इसको और अंदर पीस को करेंगे ताकि ऑपरेशन करने में वाइब्रेशन ना हो। अगेन इसको आप, क्योंकि अभी आप देख रहे थे कि जब हमने थोड़ा लंबा पीस रखा तो उसमें वाइब्रेशन के चांसेस ज्यादा है। अब हम और नजदीक कर लिया इसको, अब एक तो और ज्यादा ट्रू हो गया हमारा पीस, ये आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा पेपर ऑपरेशन होना शुरू हो चुका है, एंगल बनना शुरू हो गया है। अगेन इसको हम इसका डाया जो है और डाउन करेंगे, और अभी हम वर्नियर से चेक कर लेते हैं कि क्या पोजीशन है। तो लगभग ये अभी हमारा 28.4 है, और हमें जाना है इसको 25 तक, तो ये साथ साथ चेकिंग करेंगे तभी हम कर पाएंगे। यहाँ इसको भी दबाव कैसे चला रहा है, ये ऐसे स्मूथली हमने हैंड ऑपरेटेड है, ये मैनुअली की जाती है, और जो सिंपल टर्निंग है उसको हम ऑटोमेटिक फीड देकर भी चला सकते हैं, परंतु इसको अपने हाथों से ही चलाना है। अगेन उसको वापस लाएंगे, यहाँ ये भी लंबाई कहाँ तक, लगभग 30 mm जो है हमारा टेपर हो चुका है, और हमें जाना है 50 mm तक। अगेन इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, मशीन को ऑन करें, और टेपर ऑपरेशन करने का जो बेनिफिट है इंडस्ट्री के अंदर वो वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर इजीली किसी पार्ट को हमें फिक्स करना हो या निकालना हो। ये आपको जो हमने ड्रिलिंग ऑपरेशन दिखाया था पिछली बार, तो इस टेल स्टॉक के इंटरनल के अंदर बताया था कि इंटरनल टेपर है इसके अंदर, और जिसके कारण क्या होता है इसको जैसे ही आप इसके लेवल में करते हैं ये फिक्स हो गया, इजिली फिक्स हो गया। तो इसके ऊपर तो आउटर टेपर हो गई, और उसके अंदर स्पिंडल के अंदर इनर टेपर हो गई। तो इस प्रकार से आप देखो, आप चाहो तो इसको निकाल नहीं सकते। इसी प्रकार इससे नीचे जो सॉकेट है ये इसके अंदर ऐसे ही फंसी हुई है। उसके बाद जब ड्रिल है उसकी जो शैंक है उसके ऊपर भी टेपर है। तो इस प्रकार से ये ऑपरेशन करके इनको अच्छे से फिक्स किया जाता है, और जिससे ये वर्क कर सकता है, ड्रिल कर सकता है। तो इसी प्रकार से इस टेपर का पर्पज है इंडस्ट्री के अंदर, तो जो भी पार्ट आपको इस प्रकार से बनाना है तो उसका तरीका यही रहेगा। फार्मूला आपको मिल चुका है, तो जो भी आपके पास ड्राइंग है उसके अनुसार आपको ये फार्मूला लगाकर डिग्री सेट करें, और कंपाउंड स्लाइड के अनुसार फिर उसके ऊपर ऑपरेशन टेपर टर्निंग आप कर सकते। तो अभी लगभग 45 दिखाई दे रहा है आपको? यस सोमवीर, हेलो, हाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये स्केल। यस, और ये कितना है इस समय जो टर्न हो चुका है, हैं स्केल अब देखो 45 के आसपास है ना।
अभी हमें और कितना करना है? कितना बताया था मैंने? हाँ, कितना बताया था? हाँ, 50 मिलीमीटर। तो 50 के लिए आप कितनी कसर है? 5 कितना? 5 mm। वेरी गुड। अब देखो नजदीक लग गया। अगेन इस प्रोसेस को शुरू करें और एक बार इसका साइज भी चेक कर। आउटर साइड अभी है 25-26। आप सब कल्पना करो कि मैं खुद इसको कर रहा हूँ, मैं टेपर मशीन पे काट रहा हूँ। आप साथ साथ इसको ऐसा फीलिंग करो, यहाँ पे चल रहा है आप इधर हाथ वाली जगह। तो सबसे पहले हमने चक में जॉब को प्रूव किया, उसके बाद टूल को सेंटर में किया, विधान को कि 300 न्यूटन की सहायता से टूल होल्डर के अंदर टूल पोस्ट में टूल होल्डर को फिक्स किया और यहाँ पर हमने टूल बिट को लगाया इस स्क्रू की सहायता से। फिर उसके बाद चेक किया, जो हमारा बिल्कुल सेंटर में रहा। उसके बाद हमने डिग्री कैलकुलेट की, किस प्रकार से फार्मूला हमें मिला, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा लेंथ, टेपर लेंथ, टेपर लेंथ, इसको टेपर लेंथ लिखेंगे बटा टेपर लेंथ और मल्टीप्लाई बाय 57 बटा 2, ये इसका फार्मूला रहेगा। तो हमारा साइज रहा 32, जो अपना कैपिटल डी है, और स्मॉल डी कितना है 25, और लेंथ हमने 50 mm रखा। तो वो कैलकुलेट करके लगभग कितना आया, आपने भी कैलकुलेट किया होगा, बताओ जरा कितना डिग्री आया? टेपर में क्या साइज बनकर तैयार होगा? अगला साइज 25 और उसका ये बिग साइज है वो 32 रहेगा और लंबाई रहेगी 50 mm। तो तब हमारा 4 degree कैलकुलेट हो गया। तो ये आप प्रैक्टिकल की कॉपी में बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसको मेंशन करना। सबसे पहले एक रफ पीस दिखाना और नेक्स्ट उसको आपने शो करना है कि इस प्रोसेस से, इस फार्मूले से हमने क्या किया। अब फिर चेक करते हैं इसकी लंबाई। तो लगभग लंबाई पूरी होने को है और ये साइज भी एक हल्का सा फिनिश कट और लगेगा और साइज भी हमारा तैयार हो गया 25.5, इस समय की रीडिंग है आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप लंबाई भी चेक कर सकते हैं, ये लंबाई है आपकी। तो अभी हम एक बार फिनिशिंग कट और लगाएंगे और फिनिशिंग कट लगाने के लिए हम इसकी थोड़ा स्पीड और भी बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से इंडस्ट्री के अंदर हम इस ऑपरेशन को कर पाते हैं। ऐसे कितना बड़े से बड़ा साइज हो पेपर करने ऑपरेशन कर पाएंगे। और इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये तो विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड स्लाइड है। एक होता है जहां बड़े शाफ्ट के ऊपर आपको टेपर करनी है जो लंबी और भी लंबी ज्यादा है, तो वहां पर आपको टेपर करनी है अटैचमेंट, उस अटैचमेंट के माध्यम से इस ऑपरेशन को किया जाता है। क्योंकि आज जब बात हो रही है टेपर टर्निंग की, तो आपको हर उसका पता होना चाहिए। कहीं पे आप कोई पूछे क्या होता है टेपर टर्निंग अटैचमेंट, आप
कहें जी हमें तो पढ़ाया ही नहीं, तो वो हम जो दूसरी मशीन है हमारे पास उसके ऊपर वो अटैचमेंट लगी हुई है, तो अभी हम वीडियोग्राफी के द्वारा आपको उस अटैचमेंट को दिखाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ट्रैक्टर टर्निंग अटैचमेंट इस प्रकार की होती है। तो जो हमारी ड्राइंग थी उसके अनुसार लगभग हमारा पीस जो है तैयार हो चुका है, जिसके अंदर ड्राइंग के अनुसार सबसे पहला जो हमारा साइज है वो स्मॉल डाया जो है 25, ये देखो 25 एम स्मॉल डाया 25, ये आप देखो 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एन है आपकी जगह, या यू ये देखो ये है आपका 25, ये जीरो जो है 25 की लाइन से मिल चुकी है 21, 22, 23, 24, 25, तो हमारा स्मॉल साइज जो था जॉब का 25 था। अब इसका जो लंबाई है, लंबाई हमने 50 mm की बात की थी, तो ये आप देखेंगे ये 50 mm, ये 10, 20, 30, 40 और ये 50 एग्जैक्ट। और अब बात करते हैं इसका मेजर डाया या मैक्सिमम डाया है, ये है 22, एक बार से 32, तो ये हमारी जो आउटर डाया बिग डाया जिसको बोलते हैं वो 32 हो गया, ये 30, 31 और 32, ये जीरो जो है 2 के साथ मिल चुकी है सेकंड लाइन से, तो हमारा बिग डाया ये हो गया। अब हम लंबाई की बात करें तो हम इसी से ही लंबाई भी चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये 50 mm, ये देखो हमारा ये जीरो जो है 50 mm की लाइन से मिल रही है, ये जीरो 50 mm की लाइन से मिल गई, तो ये हमारा 50 mm साइज हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो है टेपर टर्निंग ऑपरेशन जो है बिल्कुल एक्यूरेट हमारी ड्राइंग के अनुसार तैयार हो गया, जिसकी की डिग्री 3.99 हमने कैलकुलेट की और उसी अनुसार इसको हमने तैयार किया, तो हमारी जो बिल्कुल एक्यूरेट तैयार हुई, इसका मतलब जो हमें फार्मूला बताया गया वो बिल्कुल एक्यूरेट इसके ऊपर इंप्लीमेंट हुआ, और इसी तरह हम कोई भी टेपर इसी फार्मूले की सहायता से और मशीन की सहायता से बना सकते हैं। नाउ अब हमने बात की थी टेपर टर्निंग अटैचमेंट की, तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट हमारे ये दूसरी मशीन है आलगेड किर्लोस्कर हेड मशीन, तो इसके साथ वो टेपर टर्निंग अटैचमेंट की जो है वो एक्सेसरीज दी गई है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका उसी तरह कंपाउंड स्लाइड है, ये क्रॉस स्लाइड है, और इसके साथ ये एक्स्ट्रा में है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसको बोलते हैं टेपर टर्निंग अटैचमेंट, और इसके अंदर जैसे उस बेड के ऊपर हमारा ये कंपाउंड स्लाइड काम करता है, ऐसे ही इसकी इसके ऊपर भी ये हमारा जो है ये अपना क्रॉस स्लाइड जो है इसके साथ अटैचमेंट होकर के इसमें ये एंगल के ऊपर हम यहाँ पे डिग्री कटी हुई है, ये जीरो से लेके 0, 5, 10 और कितना ये 10 degree, तो इस प्रकार से इसके अंदर हम प्लस माइनस जो है ये 10 डिग्री तक इसको टेपर को कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट क्या है कि ये लॉन्ग शाफ्ट जो होती है उसके ऊपर जो है ये टेपर ऑपरेशन कर सकती है, उसमें स्मॉल साइज जैसे कि 100 mm या 120 या 50 यहां तक की उसकी कैपेसिटी है, ये जितना कंपाउंड स्लाइड पीछे जा सकती है उतना ही होगा, परंतु इसमें हम जो है मैक्सिमम जो है 1000 तक लंबाई में
इसको शाफ्ट के ऊपर मेंशन कर सकते हैं। तो ये टेपर टर्निंग का आज का जो चैप्टर था उसके अंदर दोनों आपको सिस्टम बता दिए गए।